इसमें जब तक कोई टिकट घोषित नहीं हो जाता तब तक ये कहना कि कौन मेन दावेदार है और कौन नहीं है उचित नहीं है। मैं दावेदार हूँ यहाँ तक ठीक है, बाकी पार्टी जिसको भी घोषित कर देगी जैसे भी कर देगी फिर सारी पार्टी मिलकर उसको चुनाव लड़ाएगी। रही बात आने वाले चुनाव की, तो आने वाला चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी बोर्ड का गठन करेगी रुड़की नगर निगम में, ये निश्चित है और बहुत सशक्त बोर्ड बनेगा और लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होगा। निर्दलीय की परंपरा जो यहाँ पर तीन बार से चलती चली आ रही है वह भी समाप्त होने वाली है इस बार, और भाजपा का बोर्ड इसलिए भी बहुत मायने में सशक्त होगा और प्रभावशाली होगा आगे के विकास के लिए, क्योंकि ये ऐसा मौका पहली बार होगा जब विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार सब भाजपा की है, तो इसलिए किसी प्रकार यहाँ विकास की कोई कमी नहीं आएगी। और मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही मत देगी और जिसको भी सिंबल मिल जाएगा भाजपा का, चाहे पार्षद का, मेयर का, उनको ही जनता जिताएगी और उन्हीं को जिताना चाहिए ताकि यहाँ पर रुड़की में जो विकास की कमियां हैं दूर हो सके। और जो नया क्षेत्र जुड़ा है जिसके लिए पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं नेहरू स्टेडियम में, जिसमें उन्होंने नए क्षेत्रों का 10 साल के लिए टैक्स माफ किया है, ये बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की है। और इसके अलावा मोहनपुरे में जल भराव की समस्या हो या सड़कों की समस्याएं हो या दिल्ली रोड पर नाले की समस्या हो बड़े, ये सारी समस्याओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री पहले से ही घोषणा कर चुके हैं, तो इससे ये स्पष्ट है कि प्रदेश हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है रुड़की के विकास को लेकर, और जो भी बोर्ड भाजपा का जैसे ही गठित होगा तो रुड़की का विकास बहुत तेजी के साथ आगे होगा, ये मेरा विश्वास है। इस पार्टी में कोई कलेश नहीं है फिलहाल? नहीं, कलेश का प्रश्न ही नहीं है, पार्टी जिसको भी निर्णय करती है सब उसके साथ होते हैं, उसके पहले टिकट मांगने में सबकी अपनी अपनी इच्छा हो सकती है, हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा है, सब योग्य कार्यकर्ता है, लेकिन तब भी निर्णय तो किसी एक का ही होता है, जो भी निर्णय होगा पार्टी का जिस जिस वार्ड में मेयर पद पर सब उसी के साथ लगेंगे, इसलिए कोई किसी प्रकार की दुर्भावना का प्रश्न ही नहीं है।